ओम शांति। शांति। हम हम अव्यक्त अव्यक्त मुरली मुरली रिवाइज रिवाइज कर कर रहे रहे हैं। हैं। यह अव्यक्त मुरली है तीन 345। सौ ये बाबा ने हमें सुनाई सुनाई थी थी 5 मई 1977 5 मई 1977 को। यह अव्यक्त मुरली बाबा बाबा ने ने हमें हमें 5 मई 5 मई 1977 1977 को को सुनाई। सुनाई। आज आज की की मुरली मुरली का का विषय विषय है है वरदानी, वरदानी, महादानी महादानी और और दानी दानी आत्माओं आत्माओं के के लक्षण। लक्षण। तीन तीन शब्द शब्द हमें हमें याद याद हैं, हैं, दानी, दानी, महादानी महादानी और और वरदानी। वरदानी। कौन कौन बताएगा बताएगा दानी दानी किसे किसे कहते कहते हैं? हैं? जो ज्ञान हमने सुना वह हमने दूसरे को सुना दिया, ये हो गए दान। महादानी कौन हुए? पहले विचार सागर, ज्ञान सुपड़ते हैं बाबा का, फिर अपनी बुद्धि में मनन चिंतन करते हैं, फिर फिर औरों औरों को को सुनाते सुनाते हैं, हैं, वह है वह है महादानी। महादानी। और और वरदानी वरदानी कौन कौन से से हैं? होते हैं? जो ज्ञान दूसरों ज्ञान को को बाबा बाबा से से सुनकर सुनकर अपने अपने जीवन जीवन में में धारण धारण करके करके अपने अपने कर्मों कर्मों से से अपने अपने व्यवहार व्यवहार से से दूसरों दूसरों को को देते देते हैं। हैं। हमने हमने उसको उसको अपने अपने जीवन जीवन में में धारण धारण कर कर लिया, लिया, हमारे हमारे को को देख देख करके करके उनके उनके जीवन जीवन में में आ आ जाए, जाए, तो तो उसे उसे कहते कहते हैं हैं वरदान। वरदान। ठीक है तो ना? तो इस इस प्रकार प्रकार से से आप आप इन इन आत्माओं आत्माओं के, के, तीनों तीनों आत्माओं आत्माओं के के बाबा बाबा हमें हमें लक्षण लक्षण बता बता रहे रहे हैं। हैं। वरदानी वरदानी महादानी महादानी बच्चों बच्चों को को देख, देख, बाबा बाबा बोले। बोले। क्या क्या कहते कहते हैं हैं बाबा? बाबा? वरदाता वरदाता बाप बाप अपने अपने वरदानी वरदानी आत्माओं आत्माओं को, को, वरदानी वरदानी महादानी महादानी और और दानी दानी बच्चों बच्चों को को देख देख रहे रहे हैं, हैं, जिन्होंने जिन्होंने स्वयं स्वयं को को सर्व सर्व खजानों खजानों से से संपन्न संपन्न किया किया है, है, वे वे हैं हैं वरदानी। वरदानी। जिन्होंने जिन्होंने स्वयं स्वयं को को सर्व सर्व खजानों खजानों से से क्या क्या कर कर दिया? दिया? भरपूर भरपूर कर कर लिया लिया है, है, वो वो वरदानी वरदानी बच्चे बच्चे हैं। हैं। जिन्होंने जिन्होंने सर्व सर्व खजानों खजानों से से स्वयं स्वयं को को संपन्न संपन्न नहीं नहीं किया, किया, पूरा पूरा संपन्न संपन्न नहीं नहीं किया, किया, लेकिन लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत यथाशक्ति यथाशक्ति जमा जमा किया किया है, है, वे वे हैं हैं महादानी। महादानी। और और जिन्होंने जिन्होंने जमा जमा नहीं नहीं किया, किया, मतलब मतलब इधर इधर जैसे जैसे इधर इधर से से सुना सुना और और इधर इधर सुना सुना दिया, दिया, अपने अपने अंदर अंदर कुछ कुछ जमा जमा नहीं नहीं किया। किया। जैसे जैसे स्कूल स्कूल के के अंदर अंदर एक एक बच्चा बच्चा खड़ा खड़ा हो हो गया, गया, उसने उसने खड़ा खड़ा हो हो पाठ पाठ पढ़ो पढ़ो पाठ पाठ दिया, दिया, वो वो पढ़ पढ़ के के सुना सुना दिया दिया दानी। दानी। बाबा बाबा का का ज्ञान ज्ञान तो तो उसने उसने दे दे दिया दिया ना, ना, वो वो हो हो गया गया दानी। दानी। मुरली मुरली पढ़ी पढ़ी और और सुना सुना दी, दी, वो वो हो हो गया गया दानी। दानी। मतलब मतलब मंथन मंथन करके करके देंगे देंगे तो तो महादानी, महादानी, और और जो जो अपने अपने आप आप को को संपन्न संपन्न बना बना लेंगे, लेंगे, उनके उनके संपर्क संपर्क में में आएंगे, आएंगे, उनको उनको देखें, देखें, जैसे जैसे दादियां दादियां हैं, हैं, दादियों दादियों को को देख देख करके करके ही ही लगता लगता है है कि कि बस बस हमें हमें ऐसा ऐसा करना करना है, है, हमें हमें ऐसा ऐसा बनना बनना है। है। तो तो महादानी, महादानी, जिन्होंने जिन्होंने जमा जमा नहीं नहीं किया किया लेकिन लेकिन अभी 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 मिला मिला और और अभी 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 लिया, लिया, और और उसी उसी समय समय ही ही जो जो कुछ कुछ लिया लिया वो वो दे दे दिया। दिया। मुरली मुरली सुनी? सुनी? मुरली मुरली में में से से जो जो सुना सुना वो वो आगे आगे बता बता दिया, दिया, अंदर अंदर कुछ कुछ नहीं नहीं किया, किया, अपने अपने जीवन जीवन में में कोई कोई परिवर्तन परिवर्तन नहीं नहीं लाए। लाए। दानी दानी आत्माएं आत्माएं जो जो जमा जमा नहीं नहीं करते करते लेकिन लेकिन कमाया कमाया कुछ कुछ खाया खाया कुछ कुछ दिया, दिया, ऐसे ऐसे तीन तीन प्रकार प्रकार के के बच्चे बच्चे बाप बाप देख देख रहे रहे हैं। हैं। वरदानी वरदानी बच्चे बच्चे स्वयं स्वयं के के जमा जमा किए किए हुए हुए खजानों खजानों को, को, अर्थात अर्थात स्वयं स्वयं की की शक्ति, शक्ति, स्वयं स्वयं के के गुण गुण द्वारा, द्वारा, स्वयं स्वयं के के ज्ञान ज्ञान खजानों खजानों द्वारा द्वारा निर्बल निर्बल आत्माओं आत्माओं को को वरदान वरदान द्वारा द्वारा हिम्मत, हिम्मत, उल्लास उल्लास की की शक्ति शक्ति और और खुशी खुशी का का खजाना खजाना अपने अपने सहयोग सहयोग की की शक्ति शक्ति से से देकर देकर उन उन कमजोर कमजोर को को शक्तिशाली शक्तिशाली बना बना देते देते हैं। हैं। महादानी महादानी पुरुषार्थ पुरुषार्थ कराने कराने की की युक्तियां युक्तियां या या उल्लास उल्लास उमंग उमंग में में लाने लाने की की युक्तियां युक्तियां बताते बताते हुए हुए कमजोर कमजोर आत्माओं आत्माओं द्वारा द्वारा पुरुषार्थ पुरुषार्थ कराने कराने के के निमित्त निमित्त बनते बनते हैं। हैं। कमजोर कमजोर आत्माओं आत्माओं द्वारा द्वारा पुरुषार्थ पुरुषार्थ कराने कराने के के क्या क्या बनते बनते हैं? हैं? निमित्त निमित्त बनते बनते हैं। हैं। स्मृति स्मृति दिलाते दिलाते हुए हुए समृति समृति में में लाने लाने के के निमित्त निमित्त बनते बनते हैं। हैं। अपने 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 शक्तियों शक्तियों को को का, का, जो जो उनके उनके पास पास शक्तियां शक्तियां हैं, हैं,
अपने शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन करने के निमित्त बनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? महादानी। दानी बच्चे जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वो वर्णन द्वारा आत्माओं को बता दिया। बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनाते हैं, लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले वा अपने शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। तो पहला नंबर है सहयोग देने वाले, दूसरा है मार्गदर्शन करने वाले, और तीसरा है मार्ग बताने वाले। तीसरा है मार्ग बताने वाले। वरदानी कैसे हैं? सहयोग देने वाले, और जो महादानी है वो क्या है? मार्गदर्शन दिखाने वाले, और जो तीसरे हैं वो सिर्फ रास्ता बताते हैं। अब तीनों में अपने से आपको देखो, अपने से आपको देखो कि हम दानी हैं, महादानी हैं या वरदानी हैं। मार्गदर्शन करने वाले, एक है रास्ता बताना, एक है मार्गदर्शन करना, दोनों में अंतर है ना। और तीसरा है सहयोग देना, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? हलवा बनाने वाला है नहीं? एक जना हलवा की रेसिपी बता दे, इतनी सूजी, इतनी चीनी, इतना ये लेकर के हलवा ऐसे बना लेना। और दूसरा है वो उसको विधि बताता है, देखो आप पहले ये चीनी पानी को गर्म करना, या चीनी सूजी को भूनना, ये करना, फिर चीनी की चाशनी बनाना, ऐसे करना, वैसे करना, एक एक बात स्टेप स्टेप सारा समझा कर उन्हें, फिर उम्मीद है कि वो कुछ हलवा बना लेगा। जिसका सहयोग वाला क्या करेगा? उसको खड़ा करके साथ में हलवा बना के उसको दिखाएगा, देखो ऐसे हलवा बनाना है, साथ खड़े होकर के उसको समझा देगा, तो वो फिर कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है नहीं? तो क्योंकि रियलाइजेशन अनुभव करना है किसको? सेल्फ को, स्वयं को। सेल्फ रियलाइजेशन यही कोर्स चल रहा है, जिससे अब तक जो कमी रह गई उसको स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। जैसे बाप लिबरेटर, वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर, लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्वयं स्वरूप और स्वदेश को स्वमान में स्थित कर सकेंगे। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। चारों ओर की आत्माएं कोई तन के, कोई मन के, कोई तन के दुख के वशीभूत, कोई संबंध के वशीभूत, कोई इच्छाओं के वशीभूत, कोई अपने संस्कार जो उसको दुख देने वाले हैं उनके वशीभूत, दुखदायी स्वभाव है उनके वशीभूत, उनके दुख के वशीभूत, कोई प्रभु प्रति ना मिलने की के अशांति में भटकने के दुख वशीभूत, और कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण परेशान, मतलब परेशानियों के दुख के कारण बाबा गिनवा रहे हैं। कोई पशुओं की तरह खाया पिया और जीवन बिताया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं। कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते। साधना भी कर रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं, पर मंजिल प्राप्त नहीं होते। वो कारने चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत, ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों वश, दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहते हैं। ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख रहम आता है, दिखाई देता है आत्माओं के दुख में जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। देखने आता है वह अपने में बिजी हो, पूछ रहे हैं वो, देखने में आता है या अपने में बिजी हो? लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय, स्टडी पढ़ाई का समय अपने प्रति होता है, उसके बाद रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है। अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को, स्वयं के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है।
अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ चाहिए। पहले खुद को मजबूत करो, परिपक्व करो और अब विश्व कल्याणकारी बन, क्योंकि हमने सारे विश्व का क्या करना है, कल्याण करना है। तो विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति विश्व की सेवाएं, विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है। अब सारे विश्व की आत्माएं हमारे क्या हो गए, परिवार हो गए, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हम हैं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो तो अपने परिवार प्रति सहम नहीं आता, अपने परिवार के प्रति रहम नहीं आता, तो अभी रहम दिल बनो, मास्टर रचता बनो, स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। अपने जमा की हुई शक्ति व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर कर देता है, ऐसे आपने भी सारी दुनिया में जो अज्ञानता का अंधेरा है उसको दूर। हाँ जी, क्या है, क्या बोल रहे हो भाई जी? अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर क्या करो, रहम। क्या रहम करेंगे, उनको रास्ता बताना है, उनको बाबा से मिलने का रास्ता बताना है, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, रहम करो उनके ऊपर। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो, ये नहीं कि सेवा में आप इतने बिजी हो जाओ तो कहो जी मेरे पास खुद को सुधारने का टाइम ही नहीं है, या अपने आप को सुधारने में इतने बिजी हो जाओ कि सेवा का टाइम नहीं है। दोनों का बैलेंस रखो, खुद को भी सुधारना है औरों को भी रास्ता दिखाना है, दोनों का बैलेंस रखो, स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है, सारे विश्व का चक्कर लगाना कितने देर का काम है। विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक को मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोगों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। जैसे पहले के योग्य राजाएं सदा अपने राज्य का चक्कर लगाते थे, जो योग्य राजा होते थे ना वो अपने राज्य का सारा चक्कर लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे, ये सब किस से सीखे, सब रीति रस्म का फाउंडेशन आधार संगम समय है और संगम निवासी ब्राह्मण है। संगम में हम कौन है, जो अपने आप को संगम में समझते हैं वो ब्राह्मण है, जो कलयुग में समझते हैं वो शूद्र है, जो सतयुग में समझते हैं वो देवता है, ठीक है ना। तो तीनों है इस समय ना, इसलिए ही अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखे हैं, आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो, इसलिए मास्टर रस्ता बन विश्व की रेख देख करो। समझा क्या करना है, अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को सेवा में
सफल करो, अपनी शक्तियों को भी और अपनी सेवा को भी क्या करो, सफल करो। अच्छा, सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले, स्वयं और विश्व का बैलेंस रखने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रहम दिल, सदा सर्व प्रति सहयोग की भावना और कामना रखने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हाँ, बच्चों के भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विश्व परिक्रमा लगाते हो कितने समय में? एक सेकंड में। क्योंकि जितनी जिसकी दिव्य बुद्धि होती है तो दिव्यता के आधार पर स्पीड है। जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहां भी जिसकी जितनी दिव्यता है, दिव्यता किसे कहते हैं? दिव्यता ही स्वच्छता। जैसे जितना पेट्रोल शुद्ध डालेंगे हवाई जहाज उतना तेज उड़ेगा। तो यहाँ पर आत्मा जितनी पवित्र होगी, जितनी स्वच्छता होगी, अर्थात डबल रिफाइनेस, डबल शुद्धता, मतलब बाबा की श्रीमत, एक तो अपने मत से उसको शुद्ध किया, दूसरा बाबा की श्रीमत पर उसको क्या किया, शुद्ध किया, तो डबल रिफाइन कर दिया, हर प्रकार से कमी निकाल दी है। जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी, एक सेकंड में स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे, क्योंकि यहां से ही सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने के संस्कार बने। में कौन सा संस्कार बनना है? सब कुछ प्राप्त कर लिया, पाना था सो पा लिया, ऐसे कराने के, सर्व प्राप्ति के कराने का संस्कार अभी भरना है। तब ही जब विश्व महाराजन बनेंगे तो राज्य में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट, सत्युग में क्या रहेंगे, सदा संतुष्ट, सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो वे संस्कार कहां से करेंगे? वे संस्कार कहां से करेंगे? यहां से इसी चक्र का यादगार का समय भी बहुत महत्वपूर्ण गाया जा रहा है। नुमा शाम के समय का चक्र को समय गाया जाता है। नुमा शाम का जो समय होता है, जैसे अब शाम का समय होता है, तो चक्र को समय गाया जाता है। चक्र को क्या कहा जाता है? समय, गाया जाता है। तो ये यादगार कैसे बना? जब प्रैक्टिकल किया तभी अभी तक भी चक्कर लगाने का यादगार कायम है। नुमा शाम अर्थात परिवर्तन का समय, परिवर्तन का ये युग है ना, तो परिवर्तन का युग का यादगार, परिवर्तन के युग का यादगार परिवर्तन के समय पर बनाया है। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर, जितना चक्कर लगा चलाएंगे, जितना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, उन आत्माओं को क्या लगेगा, हमने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे, ये आवाज फैलता जाएगा। ये आवाज कब? जब तुम फरिश्ता बनते जाएंगे। आवाज तो तभी फैलेगा ना। ज्योति को फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहां से ये ज्योति आई, कहां से ये खुशी आई, कहां से ये सुख की बातें आई, कहां से ये फरिश्ते चक्कर लगाने आते हैं। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, अब अंत में बाप सहित
बच्चों को ही निमित्त बनना है। जागते हुए जैसे देखेंगे स्वप्न में, जैसे अचानक कई दृश्य आ जाते हैं ना, तो ऐसे अनुभव करेंगे। तब ही साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आएंगे। ऐसे विचित्र नजारे भी थोड़े समय में ही देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन परिक्रमा लगाओ तब तो देखेंगे ना। ऐसे कैसे देखेंगे? बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे कि बहुत दूर से कोई किरण आई, किरणें आई और कुछ जगह कर चली गई। ऐसे भी बहुत अनुभव करेंगे। इसके लिए कहा कि अभी संपूर्ण मुहूर्त बन सेवा में समय और शक्तियां लगाओ, अपना समय भी और अपनी शक्तियां भी इस सेवा में लगाओ। घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते हुए आएंगे। आप मनसा सेवा करेंगे, आप बुद्धि से चक्कर लगाएंगे, आप बुद्धि से उनको सकाश देंगे, उनको निमंत्रण देंगे, बाबा से वर्षा लेने का उनको मार्गदर्शन करेंगे, तो वो आत्माएं आपके पास आएंगी। मतलब ये नहीं कि स्थूल में आए, आत्माओं के इष्ट देव आप बन जाएंगे। अच्छा, कमजोरियों को दूर करने का सह साधन कौन सा है? जो कुछ संकल्प में आता है वो बाप को अर्पण करता। बाप को अर्पण करने का मतलब क्या होता है? जैसे बाबा कहे उसको वैसे करना है। बाप को अर्पण नहीं कि बाबा ये लो मेरे को संकल्प आया है कि सारी आत्माएं पवित्र बन जाएं। बाबा आपको अर्पण क्या करेगा? बाबा बाबा की श्री मत पर सबको पवित्र बनाने का काम करो। नहीं, आपको संकल्प आया है इन आत्माओं को कल्याण हो, इनको ज्ञान मिले, तो जाओ उनको ज्ञान दो। या तो आप वाचा से ज्ञान दो या मनसा से ज्ञान दो, करना तुमको है, बाबा नहीं करेगा। बाबा को अर्पण करने का मतलब है बाबा की श्रीमत पर करना। हमने कर्म जो करने हैं वो बाबा की डायरेक्शन पर करने हैं। जो भी आवे बाप को सामने रखते हुए, कितना क्लियर कर रहे हैं बाबा, कोई भी आए आपके सामने बाप को सामने रखते हुए, बाप को सामने रखना मतलब बाबा की श्रीमत के आधार पर जिम्मेवारी बाप को दो। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर करेंगे तो जिम्मेवार बाबा है। बाबा कहते तो मेरा कहना मानो तो जिम्मेवार मैं हूं, तुम कहना मानो उसका तो जिम्मेवार वो है, मैं क्यों बनूंगा जिम्मेवार? तो जो भी काम करना है बाबा की श्रीमत पर करेंगे तो बाबा ऑटोमेटिक जिम्मेवार है। बाबा कहते हैं तुमने मेरी श्रीमत पर किया है ना, तुम्हारे घाटे में भी फायदा है, तुम्हारे घाटे में भी क्या है, फायदा है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। तो स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाबा मेरा। जब मेरा बाप है तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना, ये मेरा बाप है तो मेरा उसके ऊपर क्या है, अधिकार है ना। अधिकार स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। हर सेकंड ये चेक करो कि अधिकारी स्टेज पर हूं, विश्व के मालिक का मैं बालक हूं, ये पक्का है। तो बालक सो मालिक, बालक सो मालिक, बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर, सर्वशक्तिवान हूं। अब खाली कहने से मैं सर्वशक्तिवान नहीं हो जाऊंगा, परंतु सर्वशक्तिवान तब बनूंगा जब मैं सारी शक्तियों को समय पर प्रयोग करने में
एक्सपर्ट हो जाऊंगा। इस स्मृति को बार बार रिवाइज करो और रियलाइज करो, फिर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी भी किसी कारण से थकेंगे नहीं। कारण को निवारण का रूप देते हुए आगे चलते जाएंगे। बहुत लक्की हो जो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने की लॉटरी मिली है। कोटों में कोई लॉटरी मिलती है। कुछ भी हो, क्या भी सामने आए, लेकिन रुकना नहीं, हटना नहीं, मंजिल को पाना ही है। इस एक बल एक भरोसे के आधार पर अवश्य पहुंचेंगे, गारंटी है। दृढ़ संकल्प बच्चों का और पहुंचाना बाप का काम। सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले ऐसे साथीपन का अनुभव करते हो। जब स्वयं सर्वशक्तिवान साथी है, स्वयं सर्वशक्तिवान साथी बन गया, तो इसका उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? सदा विजयी। भक्ति में भी कोई विघ्न आता है तो क्या कहते हैं? एक सेकंड का साथ दे तो विघ्न मुक्त हो जाए। लेकिन अभी ज्ञान से बाप का सदा साथ, तो जो बाप के सदा साथी हैं वो सदा निर्विघ्न होगा, और जो निर्विघ्न होगा वे सदा खुश रहेगा। विघ्न खुशी को गायब करते हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान भी विघ्नों से परेशान हो तो दूसरे बिचारे क्या होंगे। तो मास्टर सर्वशक्तिमान कभी भी परेशान नहीं हो सकते, कभी भी परेशान नहीं हो सकते। आप खुश रहेंगे तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो आप कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते। आप उनको शान से परे हो जाएं, आपके कारण वो शान से परे हो जाएं, ये कैसे हो सकता है? आप उनको जब परमात्म स्मृति दिलाएंगे, उनको अनुभव कराएंगे कि वो ईश्वरीय संतान है, वो कभी अपनी शान से परे नहीं होंगे। हमारी शान है कि हम कौन है, ईश्वरीय संतान है। तो हमें देखकर उन्होंने बनना है। किसी के संस्कार स्वभाव को नहीं देखो, उसकी कैसी आदतें हैं, उसका कैसा स्वभाव, उसको अपने अनादि संस्कार स्वभाव को देखो। बाप के स्वभाव संस्कार को देखो। सुनते हुए भी ना सुनने की आदत होगी तो हिलेंगे नहीं। सुनते हुए भी नहीं सुनना, पास हो जाएंगे। सबसे सहज बात कौन सी है जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा? वो सहज बात है, सदा अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो। जिम्मेवारी देना सहज है ना? स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल कब लगता है? जब थकना होता है या उलझते हो। जहां उलझ जाते हो, समझ में नहीं आ रहा होता क्या करें, तब मुश्किल लगता है। सवाल सवाल बहुत सारे निकलते जाएं तो आसान है, सवाल निकलना नहीं निकल रहा
वहीं बोर जाएंगे, वहीं थक जाएंगे, वहीं उलझ जाएंगे। जब सब जिम्मेवारी बाप को दे दी तो फरिश्ते हो गए हल्के, क्योंकि बाप, अच्छा जिम्मेवारी बाप को देने का मतलब बाप की श्रीमत पर हमने हर समस्या का हल करना, ये नहीं कि बाबा तू कर, जिम्मेवारी तेरी है। जिम्मेवारी बाबा को देना माना हमने हर काम बाबा की श्रीमत पर करना है, तब बाबा जिम्मेवार है, तब गलती नहीं हो सकती, तब गलती नहीं हो सकती। खाली ऐसे नहीं बाबा रूम में गए, बाबा देखिए मुसीबत आ गई है, अब तू कर, अब क्या करेगा, कुछ ना करे बाबा, है नहीं। बाबा की श्रीमत पर चलो और उस समस्या का समाधान करो, करना तो हमने है, बाबा नहीं करेगा। हमने बाबा की श्रीमत पर चलकर हर समस्या का समाधान करना है। फरिश्ते कब थकते हैं क्या? बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं वो कभी थकेंगे क्या? हम अपना दिमाग चलाएंगे तो थकेंगे, हम बाबा के दिमाग पर चल रहे हैं तो दिमाग खर्च करे बाबा करे, हमने तो चलना है, फिर चाहे सिर कटो चाहे टांग कटो कुछ भी हो, थकते हैं क्या? लेकिन यह सहज बात नहीं कर पाते, तब मुश्किल हो जाती है। गलती से छोटी छोटी जिम्मेवारियां का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है। भक्ति में कहते थे सब कर दो राम हवाले, सब कर दो राम हवाले, भक्ति में कहते थे। अब जब करने का समय आया तब अपने हवाले क्यों करते हो? हाँ अभी मेरे हवाले करो, बाबा कहते हैं मेरा स्वभाव मेरा संस्कार ये कहां से आया, मेरा कहां से आया? जब आपने बाप के हवाले कर दिया अब उसको बाबा की श्रीमत के अनुसार करना है, मेरी मैंने अपनी आदत के अनुसार थोड़ा करना है। क्यों अपना बोझा उठा रहे हो? अगर मेरा खत्म तो नष्ट हुआ हो गए, मेरा खत्म हुआ तो नष्ट हुआ हो गए, मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाप के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे, सदा खुश और हल्के रहेंगे। देने में प्राक दिल बनो, देने में क्या बनो? प्राक दिल बनो। अगर पुरानी कीचड़ पट्टी रख लेंगे, पुरानी आदतें पुराने संस्कार अपने पास रख लेंगे तो बीमारी हो जाएगी, तो बीमारी हो जाएगी। निश्चय बुद्धि की निशानी सदा निश्चिंत, सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा वही एक रस रहेगा, डगमग नहीं होगा, अचल रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं, कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या मैं कभी नहीं जाऊं। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, हर कदम में कल्याण है। जिस बात में कल्याण भी दिखाई देता उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी हो देखो, ब्राह्मणों का कभी भी कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना, एक कल्याण को भी वे कल्याण में परिवर्तन कर देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो, सदा क्या रहो? बाबा की श्रीमत पर करेंगे हर बात में कल्याण, कल्याण भी कल्याण हो जाएगा। सभी सदा संतुष्ट हो, सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाप के समीप रह सकता है। संतुष्टता सदा बाप के समीप ले जाने का साधन है, संतुष्टता बाप के समीप
ले जाने का साधन है, नहीं तो सदा बाप से दूर है। जो कुछ होता होता उसको बीती सो बीती करते हुए परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो तो सदा संतुष्ट रहेंगे, अपने पास किए हुए खजानों को अपने प्राप्त किए हुए खजानों को सदैव चेक करते हो कि कितना खजाना और कौन कौन सा खजाना जमा किया और कौन कौन सा नहीं किया। समय भी बड़े से बड़ा खजाना है, हमने समय को सफल किया तो जमा हुआ और हमने समय को व्यर्थ किया तो घटा हुआ, नहीं हुआ। तो सभी खजाने, अच्छा ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना, गुणों दिव्य गुणों का खजाना, तो सभी खजाने जमा हो तब संपन्न कहेंगे। सब हैं इसमें भी संतुष्ट नहीं रहते, सब है लेकिन इतना है जो स्वयं भी खा सके और दूसरों को भी संपन्न बना सके। जिस रूप में उसके पास कमी होगी उसी रूप में उसके पास माया आएगी, क्योंकि माया बड़ी चतुर है, इसलिए सर्व खजानों को जमा करते जाओ, खाली ही होने दो, खाली नहीं होने दो, जमा करते जाओ। इसमें ना ने लगाया ही लिखा है, खाली नहीं होने दो। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।